भाई थोड़े टाइम के लिए मैं अपनी पथरी का इलाज कराने गया, मतलब वापस आके मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई माहौल में तो काफी ज्यादा बदमोशीनेस फैली हुई है भाई। बदमोशीनेस मतलब कहीं पे भाई बंदे एक दूसरे के चाटे बजा रहे हैं भाई, कहीं पे भाई यूके पे राजा दलाल 2.0 बनने की कोशिश कर रहे हैं भाई, आंगली घुमा रहे हैं भाई बंदों के अंदर भाई, टोरिया बुलवा रहे हैं भाई बंदों से। उसका मुझे बहुत दुख है एंड इनकी मदर से, ठीक है, मुझे बहुत मतलब मेरी तरफ से सॉरी है, ठीक है जी। बहुत मास बट भाई यूके भाई सॉरी बुलवाते बुलवाते भाई अपनी चोरी भूल गए भाई। पता है ये कौन है? ये है UK 07 राइडर, जिसको सब जोकर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ जोकर ही नहीं चोर भी है। क्या है ये? मतलब एक जगह यूके में अपनी कैडी वाली बदमोशी दिखा रहे, आंगली घुमाने वाली, और एक जगह बंदे उन्हें चोटा बोल रहे हैं। इसको मैं अपने दोस्त दुष्यंत के थ्रू मिला और इसको मैंने गाना बनाकर दिया जिसका नाम था सिस्टम, क्योंकि मैं एलविश भाई को दिल से सपोर्ट करता हूं। और कल मैंने यूट्यूब चेक किया तो UK 07 ने मेरा नाम गाने के टाइटल से हटा दिया, डिस्क्रिप्शन में जितने भी मेरे क्रेडिट्स थे वो भी हटा दिए, वीडियो में तो मुझे लिया नहीं गया था और मेरे सारे क्रेडिट्स हटा दिए। इस भाई की बात सुनने यूके भाई का कमेंट पता है इस भाई की पोस्ट पे क्या आया कि यार वो तो यार गलती से हट गया था, वो तो एक एरर था यार। मतलब भाई इतना एडवांस दे रहा है, स्कूल टूट के चैनल पर ही आ सकते जो कि किसी स्पेसिफिक बंदे का ही नाम हटाएं खाली इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में से। भाई मतलब अपने ऊपर के माले का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करता ये बंदा। और एक तो भाई इस बंदे की जिंदगी इतनी ज्यादा एलविश भाई के अराउंड चलती है ना भाई, ये बंदा कहीं पे जा रहा है तो वहां पे भी सिस्टम। इस बंदे के दोस्त भी इसके साथ इसलिए रहना पसंद करते क्योंकि ये बंदा एलविश भाई को जानता है। इस बंदे के दोस्त भी इसके लिए गाने इसलिए बनाते क्योंकि वो एलविश भाई को पसंद करते हैं, क्योंकि मैं एलविश भाई को दिल से सपोर्ट करता हूँ। इस बंदे के गानों के अंदर भी भाई सिस्टम होता है। ये बंदा कहीं पे मीटअप कर रहा है तो भाई वहाँ पे भी सिस्टम हो रहा है। यूके भाई सिस्टम के अलावा तुम्हारी अपनी कोई पहचान है या नहीं है? और भाई खान बाबा का दाहिना हाथ भी आ चुका है बदमोशी की रेस में, जो बंदों से सोरिया बुलवा रहा है। सॉरी बोल दे मेरे फैन को, बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है। यहाँ पे उससे पता चल गया होगा कि भाई सब में चूहा नहीं होता, किसी किसी में चूतिया भी होता है। एलविश यादव लव कटारिया लोग को एक आईटी सेल प्रमोट कर रहा है। ओहो भाई एजाज द एफबीआई की चोट भाई, ये बंदा तो अंदर की इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है भाई। डायरेक्ट इन सब बंदों ने सिस्टम भाई की लेनी देनी कर रखी है। कोई बोलता है सिस्टम भाई सांप का जहर भेजते हैं, कोई बोल रहा है सिस्टम भाई को आईटी सेल प्रमोट कर रहा है। भाई धीरे धीरे करके सिस्टम भाई को आतंकवादी घोषित कर देंगे एक दिन। चलो इनके फॉलोवर को हम बोलते, हमारे एक फोटो पे आके गाली क्यों देते हैं लोग? मेरी पोस्ट है सब पे गाली देके जाओ तो माने। तो भाई इस बंदे का लिटरली ये रिएक्शन है कि भाई बड़ा चूतिया इंसान है, लोग इसलिए परेशान होते हैं कि उनकी पोस्ट पे उन्हें गालियां क्यों पड़ रही है, ये चूतड़ा इसलिए परेशान है कि इसकी हर पोस्ट पे इसे गालियां क्यों नहीं पड़ रही है। भाई भाई यार इसकी सारी पोस्टों पे गालियां वालियां बक दिया करो यार, नहीं तो ये बंदा डिप्रेशन में ना चले जाए एक दिन। किसी एक कंपनी को एक तुम्हारी पोस्ट भेज देते हैं, आईटी कंपनी होती है जिसमें इतने सारे 2-5 हजार 10 हजार 20 हजार मोबाइल लगे होते हैं। भाई चूत ने 2000 से सीधा 20 हजार मोबाइल पहुंचा दिए। मैं पब्लिक एंड पहले डिसाइड कर ले कितने मोबाइल होते हैं। सुन लो रे, कोई किसकी आर्मी नहीं है। तो भाई ये बात तो तूने प्यार से भी बोल सकता था, तेरे को ये दिखाने की जरूरत थोड़ी ना थी कि भाई तू गली नंबर 4 की 12 नंबर चौल में रहता है। ऐसे सुन ले रहा है, ऐसे लगे होते और वो मोबाइल के जरिए तुम्हारे उन्होंने कमेंट सेव रखी होती है। भाई तेरा भला हो भाई, इस नासा वाले साइंटिस्ट की बात सुन रहे हो भाई तुम कि भाई 20,000 मोबाइल दीवार पर चिपके होते हैं और वो मोबाइल अपने आप ही भाई तुम्हारी पोस्ट पे आके कमेंट कर देते हैं। भाई भाई इसको नींबू मिर्ची के साथ बाबा जी की बूटी चटवाओ भाई, तभी इसके नशे उतरेंगे भाई। दोस्तों मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस मिले हैं एविएटर में आपकी सफलता के बारे में, जो आर्यन के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आई है। जो लोग नए हैं उनके लिए एक्सेप्शनल टूल एविएटर में उसके आउटकम्स को एकदम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है, जो कि इसको और भी एक्साइटिंग बनाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे काम करता है। भाई ये 6 राउंड के लिए भविष्य वाले की और मैं यहाँ पे 2000 का दाव कर रहा हूँ, जो कि 6.55 का अनुपात है। रुको और देखो ये रहे, देखो भविष्यवाणी एकदम सही थी और मैंने 11,700 रुपए प्राप्त किए। मुझे लगता है मुझे एक और बार ट्राई करना चाहिए। मैंने एक उच्च अनुपात के इंतजार किया 6.33, इस बार मैं 7,000 रुपए का खतरा उठा रहा हूँ। चलो देखते हैं। और मैंने फिर से जीत लिया और रॉकेट सच में 6.33 पर उतरा। दोस्तों मैंने सिर्फ कुछ मिनट में अपने पैसे निकाल लिए, सिर्फ 2000 रुपए से शुरू करके 44,320 रुपए प्राप्त किए। अगर आप भी सॉफ्टवेयर को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन कदम को फॉलो करें, आर्यन के चैनल पर जाएं और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। वहां पर मुझे टैक्स करूंगा बटन पिंड होगा भाई, उस पर क्लिक करें और आर्यन को लिखे आई एम फ्रॉम गच्ची लड़का, फिर उसके जवाब का इंतजार करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दी गई है। सारी शर्तें फॉलो करें और ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल मुफ्त में पाएं। आर्यन के टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और भाई वैसे तुम्हें पता तो चल ही चुका होगा कि भाई बिग बॉस ने एक वाइल्ड कार्ड की एंट्री हो चुकी है भाई, नया वाइल्ड कार्ड अदनान शेख। देख रहे हो भाई ये वाइल्ड कार्ड है, इससे ज्यादा बढ़िया भाई मेरा मेट्रो कार्ड है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ काम तो आता है। यस सर। आर यू श्योर? थैंक यू। यस सर। थैंक यू। क्यों बोल रहे भाई? भाई मुझे लग रहा है इस बंदे ने अपनी इंग्लिश पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से सीखी है भाई, बस दो ही शब्द सीख के आया बंदा, थैंक यू और यस सर, और वो कहीं भी फिट कर जा रही है। अगर भाई इसकी इंग्लिश में ना 100 में से भाई उतने ही नंबर आते हैं इतने इसके नाम में है। 0007। नजदीक आ, इतना दूर क्यों जा रहा? अभी से दूर जा रहा तू, हां तो अंदर जाके क्या करेगा? अंदर तो अभी आपके सामने सीधा खड़ा रहे।
कुछ हिल क्यों रहा है? अबे यार इस बंदे की आते ही लेनी शुरू कर दिया अनिल भाई ने भी यार। अनिल भाई हिल इसलिए रहा है वो क्योंकि उसके अंदर खड़ा वाले यार। मेरे आने के बाद लोगों को भी मजा है और विनर तो अब आ गया है। ये बात तो मानता हूँ, ये बंदा आया तो लोगों को मजा तो देगा भाई। क्या मतलब तुमने इसे गैन मटकाते हुए नहीं देखा? अब बताओ भाई ये बंदा ऐसे गैन मटकाएगा तो भाई मजे तो आएंगे ही ना बंदों को। लेकिन भाई तू अपनी डूई ना इस बंदे के सामने मत मटकाइयो, अपनी चौथी बीवी ये बंदा तेरे को ही बनाएगा। बाल तेरे वैसे भी लंबे हैं। वाइल्ड कार्ड होगा या जाकर अंदर जाके एकदम फुस हो जाएगा, क्या लगता है आपको? सर ये ना मैं जब अंदर एंटर करूंगा ना उसके बाद मैं क्या हूँ? हाँ। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई तू क्या है तेरे को बताने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है भाई। कच्चे बादाम की चूतड़। और भाई सवाबाज ने भाई अंदर घुसते के साथ ही भाई बाहर की न्यूज़ अंदर डिस्कस करना शुरू कर दी और अपने आप को भाई पहले ही दिन नॉमिनेट करा लिया। बल्कि नियमों के दायरे में रह रहे घर वालों को बाहर की ब्रेकिंग न्यूज देने का ज्यादा शौक है। तो ये काम तो आपसे बेहतर ये अखबार कर देगा। आप इसको घर में छोड़ दीजिए और खुद इसी वक्त घर के मुख्य द्वार से होते हुए घर से बाहर आ जाइए। हाँ, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग मेरे ऑफिस में आए ना तो 2 किलोमीटर दूर रोक दिए जाएंगे। कोई बात नहीं सर, मैं आप 2 किलोमीटर अंकल इसके जैसे बंदों के लिए तो आपको अपने घर की छतों में स्नाइपर तैनात कराने चाहिए कि 10 किलोमीटर के रेडियस में भी नजर ना आ जाए बंदा। कि भाई चले आपको भी अपनी बीवी से हाथ धोने पड़ जाए, मिनट में सिंगल कर देगा ये आपको। शिकारी आदमी है ये। और भाई कभी कभी थुलथुली पिस्टल भाई अपने आपको वायु देवता भी समझता है भाई, क्योंकि ये ना लोगों को भाई हवा नहीं लेने देता भाई। हवा मतलब काम में ध्यान दे, आराम से रहो, हवा मतले कोई हवा नहीं ले रहा, तुम काम में ध्यान दो। मत ले कोई हवा नहीं ले रहा, मत ले। मैं मतलब यार इस पंचर वाले की हवा यार, उसकी रोजी रोटी है यार वो। तो जैसे मेरे को ऐसे करने आया था ना, मैंने कहा भाई जा नहीं रही मैं, तू रुक जा बैठ जा। साईं मुझे ऐसे गले लगा रहा है, हेलो मैं नहीं जा रही हूँ, बैठ जा वापिस। ए भाई बैठ जा रहे, बैठ जा, मैं नहीं जा रही भाई, बैठ जा। एक तो भाई 5 रुपए का वड़ा पाव 50 रुपए में बेच बेच कर इस बंदी के अंदर सलमान खान वाला एटीट्यूड आ रखा है, और दूसरों को बैठाते बैठाते ना बिग बॉस ने खुद ही बाहर बैठा दिया। और मैं विनर हूँ इस शो की। बस भाई जब ये बंदे बाहर निकल जाते तो उनकी ये बकचोदी का फार्म शुरू हो जाता है, मैं तो विनर हूँ, मैंने तो ऑडियंस का दिल जीता, मैं तो डिजर्विंग थी। एक ये जो घर से बाहर आने के बाद अपने आप को विनर घोषित कर रही है, और एक वो चोर था जो घर के अंदर आने से पहले अपने को विनर घोषित कर रहा था। वो भी मजा है और विनर तो अब आ गया है एक्चुअल में। क्या है तू, व्हाट इज यू? चौथे दिन पोलोमी ने मुझसे सॉरी बोला था, साई ने सॉरी बोला था, रणवीर जी ने सॉरी बोला था कि चंद्रिका मानना पड़ेगा भाई तू लड़की है। भाई पूरे 4 दिन लगे उन बंदों को ये समझने में कि ये एक लड़की है भाई, और इस बिना सर पैर के रीजन की वजह से ये बंदी अपने आप को विनर समझती है भाई। अब मुझे लगता है कि इस बंदी ने ना एक दिन अपने वड़े पाव को घाटी मसाला ना भाई नाक से खींच लिया था भाई, तभी ऐसी बातें कर रही है। चल टीवी के आगे थप्पड़ मारना चाहती हूँ मैं इसको विशाल, तो चाहती हूँ मेरे को अनिल सर एक बार मौका दे थप्पड़ रिसीव करने का। भाई इस बंदी को एक मौका चाहिए थप्पड़ रिसीव करने का भाई। इस बंदी की ग्रामर ही आंगनवाड़ी में जा रही है, तो भाई इस बंदी को क्या समझ आएगा भाई कॉम्प्लीमेंट का और छेड़ने का मतलब यार। नेजी भाई इतना वजन क्यों उठा रहे हो भाई, तुम अपनी बाइसेप की मसल फाड़ोगे क्या यार? मतलब एक बार देखना है तो मिस्टर ओलिम्पिया को पीछे छोड़ देगा यार ये बंदा तो। या तो ये बंदा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, या तो ये बंदा किसी पुश्तैनी आत्मा के वश में है भाई। भाइयों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आर्यन का खास सॉफ्टवेयर प्राप्त करने का मौका आप ना छोड़े। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और आर्यन को लिखे कि आप मेरे से हैं। मैं ऑलरेडी देख चुका हूं कि कैसे मैंने 44,000 प्राप्त किए, तो अब कदम उठाइए। अब कटारिया एनॉय करके पका दिया, चलो यहां से। हनुमान जी की 2-2 बीवियां बंद कर दे, टीवियां चलती, खिड़कियां चलती, लड़कियां हैं चलती खिड़कियां। भाई इस बंदा पक्का किसी ना किसी आत्मा का साया भाई, ये बंदा यहाँ बैठे बैठे खिड़कियां चला रहा है भाई। भाई तो ढिंचक पूजा से भी गंदे लिरिक्स है भाई इसका, भाई रैपिंग का लाइसेंस कैंसिल करो भाई अभी के अभी। ना विशाल की भी बात ना सबसे बुरी लगी है, इसने बोला थुलथुला, व्हाट डू मीन बाई थुलथुला? वो अगर हेल्दी है तो तेरे बाप का थोड़ी खाता है। भैया देखो यार ये तो गलत बात है भाई, इस बंदे को थुलथुला कैसे बोल सकता है भाई? मतलब जिस बंदे की जॉलाइन मेरे नीचे के बाल साफ करने वाले ब्लेड से भी ज्यादा शार्प है भाई, उस बंदे को थुलथुला कैसे बोल सकता है भाई? कर रहा है खुद के तो देखा नहीं, खुद कैसे लगता है लड़की कहीं का, सिर्फ इसको लूप्स पहन ला दो और इसको चबो बिना दो सूट। भाई जिन बंदियों का मेकअप करने के बाद शक्ल का और हाथ का कलर चेंज हो जाए ना भाई, उन बंदियों को तो भाई किसी की शक्ल पे कमेंट करने से पहले भाई 50 कोड़े पड़ने चाहिए भाई। तो भाई आज की वीडियो में इतने, होप करते तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।